भारत बनाम बांग्लादेश कार्डिफ में दूसरा अभ्यास मैच खेलना है टीम इंडिया को, और यहाँ मैच से पहले फील्डिंग ड्रिल्स पे ज्यादा ध्यान दिया भारतीय खिलाड़ी, और डायरेक्ट हिट्स है वर्ल्ड कप में बहुत अहम हो सकता है, थोड़ा एक आधा इंच के इधर उधर एक मैच में एक डिफाइनिंग रोल प्ले कर सकता है, और इसलिए भारतीय खिलाड़ी जो है वो डायरेक्ट हिट्स पे ध्यान दिया, ज्यादा फील्डिंग ड्रिल्स पे समय दिया, लगभग आधा घंटा भारतीय खिलाड़ी फील्डिंग प्रैक्टिस किया। उसके आगे जो इंजर्ड क्रिकेटर्स है वो वापस आ गए हैं नेट्स में, विजय शंकर और केदार जाधव दोनों ही अभ्यास किया बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले। और आपको बता दूं कि लंदन में ओवरकास्ट कंडीशन था, पिच पर घास था, और इस वजह से बॉल सिम कर रही थी, स्विंग कर रही थी, और इस वजह से भारतीय खिलाड़ी जो है, भारतीय बल्लेबाज जो है, उनके लिए चैलेंजिंग काम था पहले मैच में, चैलेंजिंग टास्क था, भारतीय बल्लेबाज सफल नहीं रहे थे पहले मैच में। लेकिन दूसरे मैच से पहले टीम इंडिया के जो बल्लेबाज है वो वापस फॉर्म में आना चाहते हैं, वापस लय में वो वापस लौटना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने ज़्यादा समय तक अभ्यास किया यहाँ कार्डिफ में। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश के पेस बॉलर्स के खिलाफ किस तरह के प्रदर्शन कर पाते हैं भारत, क्योंकि इसके आगे साउथहैम्पटन में जाना है टीम इंडिया को, और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलना है वर्ल्ड कप के मेन ड्रॉ का पहला मुकाबला। लेकिन उससे पहले कप्तान विराट कोहली समेत भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है वो ज़रूर चाहेंगे कि बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ी, भारतीय टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर फॉर्म में वापस लौटे। कैमरामैन जयंत बेहरा के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज़ कार्डिफ। और आपको बता दूं आप wahcricket.com पर भी लॉगिन कीजिए सारे एनालिसिस, सारे खबर के साथ आप जुड़े रहने के लिए।